नमस्कार, आपका आज फिर से मेरा YouTube चैनल स्मार्ट मार्केटिंग पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसके पिछले वीडियो बनाए थे म्यूचुअल फंड पे कि म्यूचुअल फंड कैसे करें, और उस पर पूरा हम डिटेल आपको समझाए थे, पूरा लाइव दिखाए थे। तो दोस्तों, आज हम कसम खा के बैठे हैं कि पूरे देश का हर एक किसान, हर एक मजदूर को हम सिखा के रहेंगे दोस्तों कि म्यूचुअल फंड कैसे करेंगे, स्टॉक कैसे करेंगे, जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर या किसी भी स्टॉक ब्रोकर या कोई भी नहीं बताया कि मजदूर किसान के लिए कैसे करा जाए। तो इसमें डरने की बात नहीं है दोस्तों, पूरा अच्छे से समझना है और मिल के इन्वेस्ट करेंगे और हम एक दिन अमीर बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिएगा, हम आपको पूरा ए टू जेड सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों जो भी हम बताएंगे, जो भी हम बताने का कोशिश करेंगे, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसको आप अच्छे से सुने, अच्छे से समझें, फिर आप इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो पे। तो दोस्तों, हम आज जो बात करने जा रहे हैं, हम स्टॉक का बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हम स्टॉक को समझेंगे और पूरा एकदम घरेलू तरीके से समझेंगे कि स्टॉक होता क्या है, और वही इंप्लीमेंट हमको स्टॉक में करना है, मतलब शेयर मार्केट में करना है कि स्टॉक को हम कैसे करना है। तो दोस्तों, एकदम आ जाते हैं हम अपने घर के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर आप अपने रसोई घर में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास चावल एक बोरा है और उसी का रेट बढ़ने वाला है, तो क्या करते हैं हम, जो सस्ते में है उसको हम परचेस कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो इसी तरह से कोई भी अनाज अगर बढ़ने वाला रेट होता है तो आपको पता चल जाता है कि आज ये रेट है तो कल वो रेट होगा, तो हम क्या करते हैं उसको स्टॉक कर लेते हैं। मतलब अगर एक का जरूरत है तो हम 5 खरीद लेते हैं, 10 खरीद लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम रख लेते हैं, ताकि हमारा वो पूरा साल भर चल जाए या 6 महीना चल जाए। तो दोस्तों, सेम इम्प्लीमेंट, सेम बात हमारा स्टॉक मार्केट में होता है कि दोस्तों वहाँ पे जितने भी है, जितने भी शेयर्स हैं, सब में वही बात होता है कि हमको पता करना होता है कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है और कौन सा घटने वाला है। तो दोस्तों, ये कैसे पता करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल आज हम आपको ये समझाएंगे कि स्टॉक कैसे करें। तो दोस्तों, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है कि हम SWP जाके करें या फिर और कुछ करें, इंट्राडे करें। हमको क्या करना है, 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक हर एक महीना ये टारगेट करना है कि 500 रुपये हमको हर एक महीना का स्टॉक खरीदना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाके सर्च करेंगे, ठीक है, सर्च लिस्ट में, वॉच लिस्ट में जाके सर्च करेंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि कौन सा शेयर हमारे बजट में है, ताकि हम 500 रुपये के अंदर अंदर 100 शेयर या 50 शेयर या 25 शेयर खरीद लें। अगर हम 500 में 25 या 50 शेयर हर एक महीने खरीदते हैं तो दोस्तों, साल भर में हमारा अगर 50 शेयर के हिसाब से भी खरीदते हैं तो साल भर में कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि स्टॉक को छोटा छोटा खरीदते खरीदते खरीदते, मतलब एक समय ऐसा होगा कि हमारे पास 10-20 हज़ार शेयर हो जाएगा, और अगर वही रेट बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि हम 50 रुपये में खरीदे किसी शेयर को और 50 शेयर खरीद लिए, तो कितना हो गया, दूसरे महीने में 100 शेयर हो जाएगा, तीसरे महीने में 150 हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और हमारे पास एक स्टॉक का भंडार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। छोटा छोटा स्टॉक होगा, उसी में फ्लक्चुएशन करेगा, किसी में 50 रुपये का, किसी में 100 रुपये का, किसी में 200 रुपये का, वो अभी हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे दोस्तों। हम किस कुछ बोल नहीं रहे, मौखिक कुछ भी नहीं हम करेंगे, जो भी हम बोलें वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। एक हम सेक्टोरियल फंड लेते हैं बैंक का, यस बैंक का लेंगे, यस बैंक में हम दिखाएंगे दोस्तों कि उसमें 5 साल में कितना ग्रो हुआ था, अभी क्या रेट है, और अभी हम इस रेट में खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो जैसा कि एक्सपर्टीज लोग बता रहे हैं, मतलब हमारा जो बेंचमार्क बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में दोस्तों यस बैंक 500 रुपये तक जाने वाला है, आज वो 20 रुपये के अंदर है। अगर हम उसको 1000 शेयर भी धीरे धीरे खरीद लेते हैं तो समझिए, अगर 1000 शेयर खरीदने के बाद अगर वो 500 रेट में चला जाता है तो कितना पैसा हो जाता है दोस्तों, 5 लाख रुपये हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, सेक्टोरियल है, इंडस्ट्रीज है, तो हम वहाँ जाएंगे, अलग अलग चीज़ को सर्च करेंगे। तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको जा करके लिंक दे देंगे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ भी जा करके चेक कर सकते हैं, डिटेल्स हम सारा कुछ वहाँ पे देते रहेंगे। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप तीनों में जाके चेक कर सके कि क्या परचेज करना है, कहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, सारा कुछ हम डिटेल्स वहाँ पे बताए होंगे। तो दोस्तों, अभी हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, मोबाइल में जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको दिखेगा कि दोस्तों हम जितना इन्वेस्ट किए हैं और कैसे इन्वेस्ट किए हैं वो सारा कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले अपने मोबाइल को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जो इन्वेस्ट किए हैं, बस एक वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे है, बाकी हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म ICICI डायरेक्ट पे है, तो आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके KYC कीजिएगा।
तो आपको एक अच्छा सा पोर्टल मिलेगा ताकि आपको कोई ऑपरेट करने में दिक्कत ना हो। आप अच्छे से वहाँ पे सेल बाय कर सकें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें, तो वहाँ पे आप जाके केवाईसी कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम ग्रो ऐप पे दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे हम किए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। देखिए यस बैंक का है, यस बैंक का हम कुछ शेयर लिए हुए हैं, हम नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताएंगे, बट हम यस बैंक लिए हुए हैं, यूको बैंक लिए हुए हैं, वोडाफोन लिए हुए हैं, और वोडाफोन के अलावा भी है हमारे पास साउथ इंडिया बैंक है, एनटीपीसी है, जोमेटो है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, गैमन इंफ्रा प्रोजेक्ट है, और फ्यूचर कंज्यूमर है। तो इतने सारे हम शेयर्स लिए हुए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ ले लिए, हम भी पार्ट पार्ट लिए हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लिए हैं। तो दोस्तों ये हमको जमा करने में 1 साल लग गया है। तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है, हम भी बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, हम भी छोटे ही हैं, तो छोटे से बड़ा होता है। तो दोस्तों इसलिए हम बोले हम सब मिल के पैसा को कमाएंगे और एक दिन अमीर बन के दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम यस बैंक का आपको दिखा रहे हैं, यस बैंक का कैंडल दिखा रहे हैं, कि आप देखिए इस पे पूरा डे बाय डे 1 मंथ का दिखा रहे हैं कि 1 मंथ में कितना हुआ है। 17 नवंबर को 20.65 है, फिर 20 को है 19.75। तो इस तरह से हम कैंडल में आपको सारा कुछ दिखाए हुए कैसे फ्लक्चुएशन होता है। फिर हम 1 साल का देखते हैं दोस्तों। 1 साल में देखिए 2022 में 21.20 रुपये था, अभी इसका रेट 19.75 है, लेकिन इसको हम दिखाएंगे आपको मैक्सिमम रेट कितना गया हुआ है इसका, ठीक है। 22-12 दिसंबर को 22.10 है, इसके बाद फिर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसको, देखते हैं मैक्सिमम हाई कितना गया हुआ है। फिर 15 नवंबर 2023 को देख रहे हैं तो 20.80 रुपये है। तो फ्लक्चुएशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है 1 साल में, लेकिन हम 5 साल की बात करते हैं तो दोस्तों 265 रुपया भी गया हुआ है 2018 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2018 को 265.50 रुपया गया हुआ है यस बैंक, वो अभी डाउन होकर के 19.75 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से हम छोटा छोटा स्टॉक को परचेज करेंगे और वेट करेंगे, बढ़ने का वेट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जितना होगा हम मंथ वाइज इसको परचेज करते रहेंगे और हम वेट करेंगे। अभी देखिए इसका 346 रुपया 1 जून 2018 को है, 382 रुपया। यस बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों, दूसरा बैंक नहीं लिए हुए, यस बैंक। अब सोचिए कि जो 2018 में लिया है और अभी का रेट कितना फ्लक्चुएशन है। जो बेच लिया होगा तो वो पैसा निकाल लिया होगा, नहीं बेचा होगा तो लॉस में गया होगा, बेचारा फिर से वेट कर रहा है उस रेट को आने का। तो दोस्तों हमको घबराना नहीं है, छोटा छोटा स्टॉक करना है और वेट करना है। स्टॉक का मतलब ही होता है दोस्तों कि हम वेट करेंगे 10 साल 15 साल 20 साल। ऐसा नहीं है कि हम अभी लिए और कल हमारा स्टॉक बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्टॉक जैसे ही बोलते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे म्यूचुअल फंड में आता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको परचेज करके वेट करना पड़ेगा। अगर जल्दी करना है तो इंट्राडे लेना पड़ेगा या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग लेना पड़ेगा, तो वो हमारे बस की बात नहीं है, वो बड़े बड़े पैसों वालों के लिए है, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारा पैसों का ज़रूरत पड़ता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। ऑप्शन के लिए थोड़ा बहुत वहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है, जगह मिलता है कि हम कम पैसे में भी कर सकें, लेकिन दोस्तों वहाँ पे रिस्क होता है, वहाँ पे पैसा 90% लोगों का डूबता है, 10% लोग जिनको जानकारी होता है वही अपने पैसे को निकाल पाते हैं या फिर पैसे से पैसे को बना पाते हैं। तो हम थोड़ा बहुत वोडाफोन का बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए वोडाफोन में 13.25 रुपया आज का डेट है, ठीक है, आज का रेट है इसका, और ये 1 मंथ का हम दिखा रहे हैं आपको चार्ट। 1 मंथ में ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, 14 रुपये के आसपास गया हुआ है, 13.55 14 रुपये के आसपास गया हुआ है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में लास्ट जो हमारा मैक्सिमम ग्रो हुआ है वो 14 रुपये का ही है, 14.55 का, ठीक है। अगर हम 5 साल का बात करेंगे तो 5 साल में थोड़ा सा इसका फ्लक्चुएशन अच्छा हुआ था, 5 साल में हम देखते हैं इसका एवरेज कितना गया हुआ है। तो 18-19 को 22 रुपया रेट था इसका, 22 रुपया लगभग 23 रुपया बोल सकते हैं, और इसका जो मैक्सिमम गया हुआ है मैक्सिमम है इसका 2013 में 80 रुपया, 105 रुपये भी है 2013 25 सितंबर को, 105 रुपये भी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का हम कैंडल चार्ट से पता करते हैं कि कितना फ्लक्चुएशन हुआ है और अभी ये कितना डाउन जाएगा, जस्ट एक गेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर इस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक में डरने की बात नहीं है दोस्तों, स्टॉक में क्या होता है कि आप परचेज करके रख लिए, उसका हम वेट करेंगे, जितना आप लगाए, मान लीजिए 10 रुपये में खरीदे तो हम वेट करेंगे 100 रुपये होने का, 200 रुपये होने का, अगर नहीं भी होता है
तो मान लीजिए कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, फिर हम वहाँ से सेल परचेस कर लिए। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा चार्ट है, और हम पूरा आपको स्टॉक बताएंगे, और भी छोटा छोटा स्टॉक, पेनी स्टॉक टाइप का हम बताते रहेंगे अपने हाँ वीडियो भाई, में, सारा सारा डिटेल्स डालते रहेंगे, जिसको परचेस करना है, क्या म्यूचुअल फंड में लगाना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सारा कुछ दोस्तों वहाँ पे हम डालते रहेंगे। तो दोस्त जल्दी से आप जा करके वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी हम बताएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्टॉक के लिए बता दिए कि स्टॉक को कैसे परचेज करते हैं, छोटा छोटा करके, और ये छोटे से छोटे लोग, जैसे कि हम 15,000, 20,000, 10,000 महीने कमाने वाले लोग हैं, फिर भी हम 500, 100 रुपये बचा करके अपना स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।